चीज़ें बहुत खाती है जी। देखिए मैम, जैसा कि फॉर एग्जांपल आपने खाना बना के रखे हैं, गरम करना है या चाय गरम करके पीना है, फॉर एग्जांपल ये रखा है मैंने अंदर, ठीक है, इसको लगाता हूँ मैं, इसको आपने माइक्रो सेलेक्ट करना है, ओके, माइक्रो सेलेक्ट करना है आपने, यहाँ से माइक्रो सेलेक्ट किए 900, यहाँ से 10 20 30 सेकंड दिए और स्टार्ट किए। खाना आपने बना के रखे, सिर्फ गरम करके खाना है या चाय बनाए थे गरम करके पीना है, ये गरम हो जाएगा। अब एक बटाटा भी ले लो, पापड़ भी ले लो और शेंगदाने भी ले लो। जी बिल्कुल, आप डायरेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसको, डायरेक्ट 1 मिनट का लगा दीजिए। जी बिल्कुल सही है, नाइफ दे दो, चाकू, देखिए पानी गर्म हो गया, चेक कर लो, ये चाकू दे दो। फॉर एग्जांपल मुझे अभी ये बटाटे को बिना वाटर के बॉईल करना है, ठीक है, इसको मैं स्क्रैच करता हूँ सिर्फ, अंदर रखता हूँ मैं इसको। देखिए मैम, अब मुझे शॉर्टकट करना है इसको, सिर्फ मैं 3 मिनट दूंगा मैं, इसको 3 मिनट दिया, 3 मिनट में बटाटा बिना वाटर बॉयल हो जाएगा। स्टार्ट का बटन 6 बार प्रेस किया है, क्योंकि वो स्टार्ट भी हो जाता है, 30 सेकंड के लिए ऑटो डिफॉल्ट टाइम भी आ जाता है, 6 बार प्रेस किया, 3 मिनट भी आया, स्टार्ट भी हो गया, शुरू भी हो गया। और डायरेक्ट जैसे 1 मिनट से 3 मिनट चूज करके स्टार्ट किया था तो फिर आपको माइक्रो सेलेक्ट करना है, 1 2 3 एंड स्टार्ट। आप माइक्रो से जाएंगे, माइक्रो सेलेक्ट करना है, 3 मिनट देना है, स्टार्ट करना है, लेकिन मैं माइक्रो सेलेक्ट, हाँ हाँ, और ये शॉर्टकट बोले तो इसको 6 बार प्रेस किया, 3 मिनट भी आ गया, माइक्रो भी सिलेक्ट हो गया और स्टार्ट भी हो जाएंगे। मैं पानी चाहिए, आप शेंगदाने भी दो तो मैं उसको भी फ्राई करके बताता हूँ, नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पापड़ बना, हाँ हाँ जी। अब ये बटाटा जो है ना, एक नहीं दो तरीके से आप बॉईल कर सकते हैं, कट करके सब्जी में यूज कर सकते हैं आप, या तो फिर आप इसको 30 सेकंड और ज़्यादा दे देंगे तो पाव भाजी की तरह स्मूथ हो जाएगा एकदम। मैडम और चीज, आपके पास बाउल भी काफ़ी अच्छे हैं, ये सब यूज़ कर सकते हैं आप, हाँ ये गिलास, हाँ ये चाय का भी रख सकते हैं आप उसमें, वो वाइट वाले भी जो है ना वो चाय भी का होगा उसमें यूज़, हाँ ये डायरेक्ट आ जाएगा, हाँ डायरेक्ट आ जाएगा उसमें। चाय तो दूध डालने के बाद उबलती होगी इसमें, पहले आपने ब्लैक टी 3 मिनट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर इसमें मैम 35 साल के बाद में कमर का साइज 34 के ऊपर होता है, 35 साल के एज के बाद में कमर का साइज 34 के ऊपर होता है, हमारा बैठने का वर्किंग है, तो हम लोग गैस पे या बाहर एक बार चाय कॉफ़ी पीते हैं तो हमारी बॉडी में 154 कैलोरी शुगर बढ़ता है, वही चाय कॉफ़ी अगर आप माइक्रोवन में पीते हैं तो आपका 30 से 40 पॉइंट बढ़ेगा, 6 घंटे तक चाय पीने की याद नहीं आएंगी, एसिडिटी की शिकायत नहीं होंगी, और सीरियस अटैक हमेशा एसिडिटी में आता है, इससे बेनिफिट्स है। और ऑयल से जो बीमारी होती है, हार्ट डैमेज, लीवर डैमेज, फिटनेस का बढ़ना, आप इसमें कुकिंग यानी खाना बना के खाएंगे तो वो परमानेंट ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा बीमारियों का। देखिए आप इसको चलते में भी खोल सकते हैं, ये बॉयल हो गया बटाटा, ठीक। अब मैं आपको पापड़ बिना ऑयल के बना के बताता हूँ, ये पापड़ रखता हूँ मैं 30 सेकंड में बिना ऑयल के बन जाएगा। देखिए इसको सिर्फ आपने यहाँ से एक बार 30 सेकंड देना है। अभी मैं आपको दूसरे फीचर भी बताता हूँ इसमें, जैसा कि ये
कन्वेक्शन भी इसमें, कन्वेक्शन केक के टाइम यूज़, हाँ ये माइक्रो यूज़ कर रहे थे अभी तक हम। ओके, ये नीचे जो है ग्रिल, तो ये कन्वेक्शन, कन्वेक्शन मीन्स आपको केक, नान खटाई, बिस्किट, बाटी, पिज़्ज़ा के लिए बाटी कैसे बनाना है, कन्वेक्शन मोड में बताता हूँ मैं कैसा बनाना है। ये पापड़ आपका बिना ऑयल के रेडी हो गया, देखो, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मुझे बाटी बनाना है मैम, हाँ ये कन्वेक्शन सिलेक्ट किया मैंने यहाँ से, कन्वेक्शन, ओके 180 डिग्री लिया, ओके यहाँ से 10 मिनट और 10 मिनट, ये एक्चुअली 12 मिनट में बाटी बन जाता है, नान खटाई बिस्किट बाटी, और स्टार्ट किया। कन्वेक्शन सिलेक्ट करने के बाद स्टार्ट किया, तो अब क्या होता है कि कन्वेक्शन में फ़ैन होता है, एग्जॉस्ट फैन ऑन होगा और पीछे से हीटर ऑन होगा, पूरा रेड हो जाएगा, पूरा मशीन आपका जो है रेड हो जाएगा। तो मुझे क्या लगता था कि मैंने यहाँ पे रखा इसीलिए तो ये खराब हुआ। नहीं, आप क्या वोल्टेज ज़्यादा से हुआ है और इसमें मॉइस्चर आता है, मॉइस्चर जो है ना, जैसा कि मैंने आपसे बताया अलगीज, बैक्टीरिया, फंगस, बुखड़ी, काई, कोई चीज़ हम सब्जी भाजी लेते हैं उसमें कीटाणु जीरासीम होते हैं, तो आप उसको डायरेक्ट नहीं पकाना है आपने, इसको ग्रिल 2 मिनट रखना है सब्जी को, तो उसके कारण अलगीज, बैक्टीरिया, फंगस, बुखड़ी, काई, कीटाणु जीरासीम, वायरस सब निकल जाता है, कोरोना फिरोना सब निकल जाएगा। ग्रिल में 2 मिनट करना है आपने, बताता हूँ मैं ग्रिल कैसा करनी है। ये देखिए, ये कन्वेक्शन करने से पूरा रेड होता है और गर्म होता है, इसमें आप केक, नान खटाई, बिस्किट, बाटी बना सकते हैं, ठीक है। अभी हम दूसरा मोड यूज़ करेंगे मैम, जैसा कि मैं बताया आपसे अलगीज, बैक्टीरिया, फंगस, बुकड़ी, काई अगर ख़त्म करना है तो आपने ग्रिल करना है, यहाँ से ग्रिल करना है, ओके। ग्रिल को आपने यहाँ से 4 मिनट देना है और स्टार्ट करना है। ये न्यूट्री केयर इंडियन रसोई, जस्ट फॉर यू, 24 आवर्स, तंदूरी चिकन, यूटिलिटी कॉर्नर, ये जो है ऑटो कुक मेनू है, इसमें आपको मोड और टाइम सेलेक्ट नहीं करना है, ये डायरेक्ट खुद बना के देते हैं। आपको पिज़्ज़ा बनाना है, पिज़्ज़ा टॉपिंग करने के बाद, घिसने के बाद ग्रिल आपने 5 मिनट करना है, तो ब्राउनिश, रेडिश, क्रिस्पी बना पाएंगे आप ग्रिल में। पिज़्ज़ा भी डायरेक्ट वो कांच के प्लेट पर, दूसरे प्लेट में रखना है? नहीं, कांच के प्लेट में। और इसके अलावा मैम आपने जैसा ग्रिल वर्तीस करावं लागेल तुम्हाला ते। ग्रिल म्हणजे भाजणे, रोस्ट करणे, मायक्रो म्हणजे बेकिंग प्लस कुकिंग, त्याच्यामध्ये तुम्ही व्हेज, नॉनव्हेज सगळं करू शकतात, बेकिंग पण करू शकतात। नॉनव्हेज त्याच्यामध्ये बिना पाण्याचा शिजून घेणार तुम्ही, जसं आपण बटाटा केला ते, त्याच्यामध्ये चिकन, फिश, तंदुरी, मुर्गा, मच्छी, बिर्याणी सगळं होईल ते। ग्रिल म्हणजे भाजणे, कन्वेक्शन म्हणजे बेकिंग अटेम्प्ट। हे आता बघा, पूर्ण रेडिश होईल ग्रिलला, हे पूर्ण असा हीटर ऑन होईल, याच्यामध्ये अलगीज, बॅक्टेरिया, फंगस, बुकडी, काही ते सगळं निघून जाईल, आणि त्याच्यामध्ये जे आपण कोणती भाजी पाण्यात टाकून याच्यामध्ये ग्रिल करून घ्यायची, बिना पाण्याचा, जसंच तुम्ही घेतला सब्जी, सब्जीवाल्याकडून घेतला तर ते सब्जी डायरेक्ट कन्वेक्शन ग्रिल